एक फिल्म मेकर ने कहा कि रिया चक्रवर्ती का अब करियर हो गया है खत्म। कौन है वो फिल्म मेकर और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए अब तकरीबन 2 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी उनके प्रशंसक और उनसे जुड़े हुए लोग उनकी मौत की गम से उभर नहीं पाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले इस हेतु लोग लगातार अपनी आवाज उठाते हुए नजर आए हैं। ये पहली बार है कि किसी केस में लोग इतनी ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोगों की नाराजगी और हर मुद्दे पर उनकी राय की वजह से ही प्रशासन और पुलिस इस केस की संगीनता को समझ रहा है। इस केस में दिन ब दिन नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ काफी सारे नए नए खुलासे हुए हैं। इसी बीच एक फिल्म मेकर कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती का करियर अब खत्म हो चुका है। कौन है ये फिल्म मेकर और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। रिया चक्रवर्ती इज इन द न्यूज एज लेट सुशांत सिंह राजपूत फादर फाइल्ड एन FIR अगेंस्ट हर, रिपोर्टेडली अक्यूजिंग हर अंडर IPC सेक्शन 341 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 380 थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, 406 पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 420 चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड 306 अबेडमेंट ऑफ सुसाइड एंड 120B। With this, she has been ruling the headlines as she is summoned by the Enforcement Directorate and more for interrogation. Now it is filmmaker Lom Harsh who has stated that her career is over because of all of this. Talking to Republic, Lom Harsh stated that he was considering getting Rhea on board for his next film. However, because of her name being embroiled in Sushant's death case, he is not going to do so. Mr. Lom also stated that Rhea knows a lot of things since she was Sushant's girlfriend and that she should come out and speak. He quoted, "She was shouting and saying that she wants a CBI inquiry, but now the CBI has entered and she is nowhere. Why she is hiding? She knows so many things. There is no doubt about it." Further adding, "Her career is over. Now if she is thinking that her career will be saved, if she does not take the name of a few people, the audience will not accept it. I would also like to say that we were considering Rhea for our next film, but I don't think my producer and me are a fool. Her game is finished. Nobody is going to protect her. If she really loved Sushant, she should come out and speak." Lom Harsh, who is known for his films like Chicken Biryani, further in the interview spoke about how Sushant cannot take a drastic step of suicide as he overcame all his struggle and did not break during tough times. क्या सच है, क्या झूठ है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। इस केस से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका इन मुद्दों के बारे में क्या कहना है और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, लिख भेजिए हमें कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मनोरंजन जगत की सारी न्यूज और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टेली चक्कर को। Know all about the Tele world by subscribing to Tele Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.